माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं डीडीआर रेखा दिवाकर ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग के निर्धारित एजेंडा की क्रमवार समीक्षा की, जिसके तहत डीडीआर रेखा दिवाकर ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में पठन पाठन की सारी व्यवस्था ऑनलाइन की जाए तथा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शिक्षक अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। इसके अलावा डीडीआर रेखा दिवाकर ने विभाग के निर्धारित प्रमुख बिंदुओं की क्रमवार समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सूचना उपलब्ध कराई गई है। ये निर्देश दिए गए थे, शासनों से भी आदेश हुए थे कि आप इनको तत्काल कारोबार जहाँ कराना है सत्यापन लिखा आप कराते रहेंगे। ये बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है कि सर कारोबार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है, कारोबार ग्रहण कराने में विलम्ब किया जा रहा है और तमाम तरह की शिकायतें उस स्तर पर प्राप्त हो रही हैं। इसलिए ये समीक्षा का प्रथम बिंदु इस बार अपर मुख्य सचिव द्वारा रखा गया था, जिसमें अभी तक जो सूचना आई है उसके हिसाब से प्रवक्ता संबंध में 12 व्यक्तियों के कारोबार ग्रहण करने के लिए आदेशी ट्रिगर नहीं किया गया। ललितपुर, फिरोजाबाद, रायबरेली एवं बलिया बिल्कुल विलम्ब नहीं होना चाहिए, इसकी शिकायतें वहाँ पर आ रही है। ऊपर की इनको ज्वाइन कराने में आदेश ट्रिगर नहीं किए जा रहे हैं। सबसे बड़े आपकी स्तर पर कोई आदेश और सर के पास ये बहुत ही स्पष्ट शिकायत की गई थी कि जिलों में जो व्यक्ति गए हुए हैं उनको ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है और ज्वाइन कराने के नाम पे जो है क्या बोलते हैं उनका आर्थिक दोहन किया जा रहा है। ये जो कंप्लेंट थी बहुत ही उच्च स्तर पर की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ और वहाँ से सर के पास आई। इस संबंध में 21 जुलाई को उन्होंने जियो जारी किया, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि आप सबसे पहले ज्वाइन कराएंगे, उसके बाद के प्रमाण पत्र सत्यापन कराएंगे।